जय तलना, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. टुडेज द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्विटोरियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल. आम आज एक टॉपिक डिस्कस कर. तो देख स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल. कौन देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स कौन बुझे? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू कॉन्स्टिट्यूट आर इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो डेफिनेशन कौन बुझे? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू कॉन्स्टिट्यूट आर इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये कौन नहीं है देखो पहले, लेट अस कंसीडर द डाइपोल. कौन नहीं है छे? ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ए बी एडा होछ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो तार लेंथ केते पहले नहीं है छे? 2l. तो ए बी होची इलेक्ट्रिक डाइपोल, जार की डाइपोल लेंथ ए बी इक्वल टू केते 2l. एडा होछ तार डाइपोल लेंथ. डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ इक्वल टू केते 2l. बुझा पड़ला पले? तो कोन ने छे? ए रे को चार्ज अछि पले प्लस क्यू चार्ज, बी रे को चार्ज अछि माइनस क्यू चार्ज, आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस टू कॉन्स्टिट्यूट आ इलेक्ट्रिक डाइपोल. एंड डाइपोल लेंथ केते? ए बी इक्वल टू 2l. And O is the midpoint of the dipole. Midpoint of dipole AB. Midpoint of the dipole AB that equal to OA distance kete hobo? OB distance mo kese tika hobo? That equal kete hobo pile? Length equal to L. OA distance jaha, OB distance saha. Hala? Next dekho hum dekho dipole moment. Dipole moment kon pile kul dekho? Dipole moment of an electric dipole can be defined as the product of magnitude of either of one charge with the dipole length. So dipole moment ko ame symbol P, capital letter P dwara represent karega. To tar symbol hoch P. So it is the product of magnitude of either of one charge. Product of magnitude of either of one charge to its dipole length. Tar ka sita multiply karega? Tar dipole length sita multiply karega. To P equal kaun pila pila? q into 2l, product of magnitude को इस पिले, q रो, either positive charge नियो, और negative charge नियो, कहेंगे, both are equal in magnitude, हला, तो q into 2l, means तार magnitude को, तार dipole length से तो multiply को या, तो आज से तार, कौन, dipole moment, तो it is a vector quantity, p equal to q into 2l, तो आर direction, जो type of plan कोड़ थिले, electric field intensity direction कौन थिला, away from the positive charge to negative charge phila. So similarly dipole moment of direction kon hobile negative charge to positive charge. Hala, the direction of p kon hobile from negative charge to positive charge. Negative charge to positive, very very important phila. The direction of P dipole moment is कौन? Electric dipole moment direction कौन है बाप? From negative charge to positive charge. हल्ला पहले. Next देखो हम पढ़े. What is the unit of dipole moment? तो dipole moment unit कौन है पहले? P equal कौन लिखा था? Q into 2L. जैसे हमें unit देखिया, तो P equal Q into 2L. तो कौन है पहले? Charge unit कौन है? Coulomb. And 2L unit कौन है पहले? Meter. बुझा पड़ा? तो पहले CM लिख दो अरे हाँ. सी कैपिटल सी पिले ना कैपिटल सी डॉट एम. तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कुछ ही पिले कूलम इनटू मीटर. सिंस सीजीएस रे लिखिया पिले सीजीएस रे लिखिया कौन आसीओ? स्टार्ट कूलम इनटू सीएम. स्टार्ट कूलम इनटू कौन हो सीएम एंड हाउस पिले यूनिट. सिमिलरली डायमेंशन लिखिया डायमेंशन. तो डायमेंशन कौन पिला रे? डायमेंशन आसीओ p इक्वल कौन लिखा ला? q इनटू 2l. तो q रो कौन आसीओ डायमेंशन अपन ला? q इक्वल it. तो दैट इक्वल टू a1 p1 इनटू l रो केते पिले l लेंथ रो छ l दर रिप्रेजेंट करला. तो दैट इक्वल टू डायमेंशन अपन ला कौन हो? n0 l1 t1 a1. हेलो, तो द डायमेंशन ऑफ फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज m0 l1 p1 a1. एडा होछ पले तो डाइपोल मोमेंट रो कोन डायमेंशन ऑफ फार्मूला. तो आज कोन पढ़ले? फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ले. इलेक्ट्रिक डाइपोल मींस कोन? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल
डिस्टेंस सो कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ए बी होचे हमरा इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इतर डाइपोल लेंथ होचे केते पिला 2l हला डाइपोल मोमेंट कोन तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एदर ऑफ वन चार्ज रो प्रोडक्ट रो मैग्नीट्यूड सहित का से मल्टीप्लाई करे हम तर डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई करे तो आसे सेडा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड आवर डायरेक्शन कोन हबो फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज बुझा पड़ला नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव इंटेंसिटी रो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी रो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होला इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कोन होखले नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड द यूनिट आर कूलम इनटू मीटर एंड सेल्सियस यूनिट स्टार्ट कूलम इनटू सीएल जेडा कि 1 डिवाइडेड बाय बी कोइ पले हला सिन डायमेंशनल फार्मूला कोन m0 l1 t1 a1 तो एडा थिला हमरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेक्स्ट देखो पिला हम आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल का होया कोन होया आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल ideal electric dipole ideal electric dipole ka hota hai pehle the dipole has q tends to infinity hello charge value tends to infinity hoga and distance of separation tends to zero therefore it is said to be ideal electric dipole a dipole is said to be ideal if the magnitude of charge tends to infinity and qL tends to zero magnitude of charge tends to infinity and qL tends to zero therefore it is said to be ideal electric dipole mujhe kuch example means a straight line hello passes through the center of two charges of an electric dipole and parallel to the dipole length is called एक्सियल लाइन तो कौन है एक्सियल लाइन मींस कुछ कोजी स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट लाइन का सेंटर ऑफ टू चार्जेस दिखरी पास ही देती हो सेंटर ऑफ टू चार्जेस दे देती हो एंड पैरेलल टू द डाइपोल लेंथ तो कौन इतना पहले पैरेलल ही तो तब कोई बात नहीं एक्सियल लाइन तो पहले इड़ा हो चाहे हमारा एक्सियल लाइन तो देखो पहले इड़ जो जाएगी इड़ जो लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगी बोथ द चार्जेस का सेंटर दे पास ही देगी मींस माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेंटर दे पास ही देगी एंड कौन है जी पहले पैरेलल टू द डाइपोल देख पहले एडा होची लाइन का पास ही जाछि डाइपोल लेंथ आसो कहिन होची तो कौन जी पैरेलल होची तो तब हम कहो या एक्सियल लाइन तो एक्सियल लाइन मींस कौन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ टू चार्जेस एंड पैरेलल टू द डाइपोल लेंथ कौन हो पैरेलल हो तो तब हम कहबा एक्सियल लाइन तो क्वेश्चन हम पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रति ईयरली वर्ष को थरे दिन वर्ष थर क्वेश्चन आसो जने तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल और एंड ऑन पोजीशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करियो को फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द को लाइन एक्सियल लाइन हम बाहर करियो हला तो देखो पहले से कहू छी लेट अस कंसीडर कौन हो छी इलेक्ट्रिक डाइपोल नेला कौन नी देखो पहले ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बुझा पड़ला कंसिस्ट ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज consist of plus q charge and minus q charge they are separated by small distance 2l kuch lagi likh do ya let us consider an electric dipole ab hala consist of plus q and minus q charge minus q charge respectively minus q charge respectively bujha padla ab r plus q charge achi b r ko charge achi pila minus q charge achi to edi pila dipole length keta asio dipole length ab equal keta pila 2l ab ro dipole length keta pila 2l and o is the oda tar kon pila center hala to o is the midpoint O is the midpoint of electric dipole AB. Electric dipole कौन बोले? AB. AB तो therefore कौन आ सकते हैं? OA रो भेलू जहाँ हो, O भेलू भेलू तहाँ हो, that equal के तहाँ हो बोले, OA equal to B equal to कैसे बोले? L. बुझा पड़ा? तो आमी कौन करिये बोले? Electric field intensity बाहर करिये. कोड़ी बाहर करिये? At point P. तो P ने लाख ले हमारा observation point. कोई इसलिए previous period ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन जो जगह रे के हमें रिजल्ट फाइंड आउट करे तो एडी हमें कौन फाइंड आउट करे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करे कहां पे ड्यू टू क्रॉस क्यू चार्ज
एंड माइनस टू चार्ज तो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी रे बाहर करे तो कौन लिखे अपने रहेला लिख सको नेक्स्ट लिख लो हमें ना कौन बात करिया वी फाइंड आउट कौन बात करे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोड बात करिया एट पॉइंट पी एट पॉइंट पी कोड बात करिया एट पॉइंट पी रे व्हिच इज कितने डिस्टेंस से पहले व्हिच इज एट ए डिस्टेंस आर हला डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल एबी हने ओ टू पी रो डिस्टेंस कितना हो पहले आर डिस्टेंस हो चलो बुझा पाला तो हम लिख पर ऐड किले ओ पी रो वैल्यू कितना लिख पर आर ऊपर वैल्यू कितना लिखा है ओ टू पी रो वैल्यू हो आर सिमिलरली कौन प्ले एपी रो वैल्यू कितना हो प्ले देखो एडो तो डिस्टेंस हो 2l बुझा पाला एडो तो डिस्टेंस हो ओ टू पी रो डिस्टेंस हो कितना पहले आर तो एपी रो डिस्टेंस कितना हो प्ले एपी इक्वल टू देखो प्ले एपी मींस आर माइनस कौन हो एल एपी इक्वल कितना हो आर माइनस एल सिमिलरली बीपी इक्वल कितना हो प्ले आर प्लस एल देखो प्ले बीपी तो एडो तो आर प्रतिवल दैट इज फॉर बीपी इक्वल टू आर प्लस एल तो हमें कौन बाहर करिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करिया कोड बाहर करिया ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज तो पहले हम बाहर करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करें तो कहाँ पे हम बाहर करें अपने ये पे बाहर करें तो दैट इज कॉल्ड कितना हो अपने है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है ना तो प्लस क्यू चार्ज में बाहर करें ई ए में बाहर करें तो ये इक्वल कितना आ सके अपने 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस के तब ले ए पे डिस्टेंस के थे ए टू पी दैट इज कॉल्ड कितना हो गया फार्मूला हो ची इक्वल 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर तो दैट इज कॉल्ड क्यू बाय ए पी रो स्क्वायर बुझा पड़ला तो एडे को चार्ज अछि बिले प्लस क्यू चार्ज अछि हम कहिले बिले इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन सबले कोन हो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ले कोन हो बिले ए पी डायरेक्शन कोन हो ए टू पी हो हम कह सर एकै एडा हमें नहीं लेना एकटा छै ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज में बात कर तो डायरेक्शन ए पी हो तो कोन लिखबे एल ऑन ए इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय ए पी स्क्वायर एल ऑन कोन हो ए पी लॉग एपी और ये वैल्यू कितने आसे पले और ये इक्वल आसे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय ए पी रो स्क्वायर ले कते पले कोया पला आर माइनस कौन कोया पले एल रो पॉजिटिव आर माइनस देखो पले ए पी डिस्टेंस आर माइनस एल रो पॉजिटिव लॉग एपी बुझले पले सिमिलरली सिमिलरली कौन करिया पले ईपी बात करे ईपी इक्वल कौन हो सिंगल पले देखो 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू डायरेक्ट पके दो से पले डिस्टेंस से तो अछि बी टू पी कफ पे का पे बात कर सके नेगेटिव चार्ज के तो डिस्टेंस से तो अछि पले ईपी बीपी दैट इज बी पी रो डिस्टेंस से तो पले 1 बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल रो होल स्क्वायर अलोंग एटा को डायरेक्शन ऑफ पले देखो जो नेगेटिव चार्ज अछि पले तो 2 आर्ट्स हो सेडी कोन थला पॉजिटिव थला कारण आवे फ्रॉम दे होतला एटा नेगेटिव अछि 2 आर्ट्स होला तो कोन होले कोन होबे एटा देखो पी हमें को का पे बाहर कर छोड़ी बाहर कर छे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी होला एटो हम बाहर कर तो कोन हो पी पी एलम कोन होले पी बुझा पड़ला ए पी होला तो देखो पिले दिडा जे देखला हमें ए रो डायरेक्शन ई रो डायरेक्शन कोन अछि पिले देखो अपोजिट डायरेक्शन अछि ना पिले तो फर्स्ट टर्म पढ़थलो एफ टू वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन देयरफॉर द नेट रिजल्ट एंड इक्वल टू कोन करथलो माइनस डिफरेंस करथलो माने करथलो माने दैट इक्वल आर इक्वल टू कोन करथलो ए माइनस बी यदि अपोजिट अछि ए रो डायरेक्शन याड अछि बी रो डायरेक्शन याड अछि तो ए केस रे रिजल्ट आर इक्वल टू कोन करथलो ए माइनस बी तो सिमिलरली पिले के हम कोन करिए डिफरेंस करिए हम नेट रिजल्ट एंड हला देयरफॉर एडी कोन लिखबा हमें रेडी फिर जे तो थीटा वैल्यू होची केता हम अपने 180 डिग्री थीटा वैल्यू केत होची 180 डिग्री होची मैग्नीट्यूड का अधिक हो अपने ए रो अधिक हो ना ई रो अधिक हो देखो पहले ए रो मैग्नीट्यूड केत थिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस एल रो होल स्क्वायर थिला
इतिर कोण अछि r plus l रो स्क्वायर अछि तो मैग्नीट्यूड का अधिक हबो e रो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन कोण हबो e रो मैग्नीट्यूड को अधिक हबो देयरफॉर कोण करिया देयरफॉर नेट इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कोडी बात करछे पॉइंट p एट पॉइंट p ड्यू टू कौन चार्ज में प्लस q एंड माइनस q चार्ज ड्यू टू प्लस q एंड कौन माइनस q चार्ज हेलो तो कौन हो पले देखो नेट इंटेंसिटी बाहर करे आले तो e इक्वल टू कौन हो पले मैग्नीट्यूड जाय तो पले डेटा वेक्टर भीतर जोड़ा के बिगर वेक्टर थिबो तो बिगर वेक्टर रो स्मॉलर वेक्टर सब वाले कौन करा माइनस करा जानछ तो टू वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन देयरफॉर द रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ बट कोडर कोड माइनस करा हो सब वाले बिगर वेक्टर रो स्मॉलर वेक्टर तो बिगर वेक्टर के पहले ईए तो ईए मैग्नीट्यूड ऑफ ईए मैग्नीट्यूड ऑफ तो कौन हो ईबी दैट इक्वल ईए रो वैल्यू कते पहले 1/4 पे एप्सिलॉन और नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कते हम आर माइनस एल रो होल स्क्वायर नने सिंदे एडे सबट्रैक्शन ल माइनस सी बी रो वैल्यू सिंदे ल कते पले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कते आर प्लस एल रो होल स्क्वायर हला बुझला पले मैग्नीट्यूड ऑफ पी बाहर कराओ जे डायरेक्शन में तो दैट इक्वल कते आवो दे एडे पकड़ा क्यू बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन बाहर कर दा पले एडे कते रहो देखो पले तो एडे रहला हमरा 1/r माइनस l रो होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस l रो होल स्क्वायर असे पले और एडी कोन लिख परिया में q बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट देखो पले एलसीएम बाहर परिया तो कोन असे पले एडी देखो कोन छि s a प्लस 3 इनटू a माइनस b रो फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3d a प्लस 3 इनटू a माइनस b रो होल स्क्वायर अछि तो ए कोन होने ना r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रो स्क्वायर होल स्क्वायर हो ना पले देखो एडी r माइनस r प्लस l अछि त r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर तार होल स्क्वायर एडा से कोन हो पले एडा पके दा फार्मूला जति पके आले कोन छ r प्लस l रो होल स्क्वायर माइनस r माइनस l रो होल स्क्वायर बुझले पले तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन करे एडी q बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट हला तो एडी केता अछि पले देखो a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस a माइनस b रो होल स्क्वायर फार्मूला कोन पले 4ab जान छ पले तो एडी पके आ दी r प्लस l रो होल स्क्वायर माइनस r माइनस l रो होल स्क्वायर दैट इक्वल टू केता हो 4rl बुझा पड़ला तळे केते लिखे आपले r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हला एडी के पड़े आसला पले हला नेक्स्ट स्टेप देखे हम इटा से लिख दो छी मु दैट इक्वल q / 4 पे एप्सिलॉन नॉट अछि q डा हम भीतरु नै जाबिले तो कोन हो पले 1 / 4 पे एप्सिलॉन नॉट म एडा के टाइप रे लिखले हो ना पले q * 2l * 2r * केते लिखि 2r ए टाइप रे लिखले हो ना देखो एडी q q को भीतर ले ले तो 4r 2l into 2r डाटिकल 4r ले ले एटा q q डा भीतर ने ले ले काई कि q भीतर ने ले ले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फार्मूला को आंसर q into 2l डाटिकल q into 2l into 2r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस कोन l स्क्वायर रो होल स्क्वायर हला पहिले और डाटिकल केते लिखियो आमे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हला q into 2l इक्वल आमे जान छे डाइपोल मोमेंट दैट इक्वल टू केते असो पहिले 2πr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रो होल स्क्वायर हला एडियो एते पळे आसला पले एडा कोन आसला e पळे आसला पले हला बुझा पडला एडी e रो वैल्यू 1/4 पे आसना 2πr ते एते पासे तो डायरेक्शन ना कोन आसी पले l को डायरेक्शन रिजल्टेंट डायरेक्शन ना कोड आसी पले देखो बिगर वेक्टर कोड है ये तो दैट इक्वल टू बिगर वेक्टर डायरेक्शन कोन हम fp fp डायरेक्शन है तो एडा कोन पळे आसला पले e इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2πr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर l ऑफ fp आसे तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन करिया पले देखो नेक्स्ट स्टेप पर e इक्वल टू कते आसे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2πr बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रो स्क्वायर l ऑफ fp तापर कोन लिखिया पले को डाइपोल ने आउछ आपा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल कोन लिखिया पले e इलेक्ट्रिक डाइपोल इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी शॉर्ट इज वेरी कौन क्या शॉर्ट यदि शॉर्ट हला तो से केस रे कौन होतले हमर 2l रो वैल्यू कौन चोतले हला r रो वैल्यू मच मच ग्रेटर देन कौन हो l हो हला r रो वैल्यू मच मच ग्रेटर देन l हो देयरफॉर l रो वैल्यू टेंड्स टू कौन जीरो
मींस नेगलेक्ट करा एलओडब्ल्यू को हमें कौन बोलिया नेगलेक्टेड करता कौन बोलिया नेगलेक्टेड देखो नेगलेक्ट कर दले ई इक्वल टू कितना आछ प्लेड ई इक्वल आछ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हला तो 2 पी आर डिवाइडेड बाय इट कितना पले एल को एलओडब्ल्यू नेगलेक्ट कर दले हमें दैट इक्वल टू आर स्क्वायर स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना पले आर 4 हला एलॉन्ग को डायरेक्शन मिले एलॉन्ग एपी डायरेक्शन और e इक्वल करते हैं सबके लिए फाइनली आंसर 1/4 पे एप्सिलॉन 2 p डिवाइडेड बाय r क्यूब एलॉन्ग को डायरेक्शन ऑफ ले एपी यहां हो चुके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन कोड हम बाहर कर एक्सियल लाइन तो कंक्लूजन कौन पाए आप लेडी कंक्लूजन कंक्लूजन कौन पले फर्स्ट तो होची e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q e कौन हो पले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q हो सिमिलरली सेकंड टा कौन होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p डायपोल मोमेंट से तो एंड थर्ड टा कौन हो पले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब ना नहीं इनवर्स प्रोपोर्शनल टू होचला e इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड फोर्थ नंबर पले वेरी वेरी इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और डायरेक्शन क्वाड तो देखो पले इंटेंसिटी डायरेक्शन कौन होला एलॉन्ग एपी एलॉन्ग कौन होला एपी एपी मींस कौन होतले को काइंड डायरेक्शन होचे एकाइंड डायरेक्शन होचे एडा का डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन और से डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कौन होतले और नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज मींस सेकंड साइड आ होचे होचे ना डायरेक्शन समान ही होचे तो एक्सियल लाइन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन पैरेलल हो का सहित पैरेलल हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सहित पैरेलल हो मींस आ भीतर एंगल ला केतर होबा ई ऑफ पी भीतर एंगल केतर होबा मा थीटा रिलेटेड 0 डिग्री हो थीटा रिलेटेड कौन हो 0 डिग्री हो तो एडा थिला और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन नेक्स्ट देखो पहले हम पढ़े इक्विटोरियल लाइन इक्विटोरियल लाइन कौन हो से देखो सिकुची ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल लेंथ और एक्सियल लाइन इज कॉल्ड इक्विटोरियल लाइन देखो पहले एटा होची इक्विटोरियल लाइन तो ये होची स्ट्रेट लाइन काल पास ही जाइछ बिले मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर का होछ बिले डाइपोल लेंथ एटा होछ हमर 2l जो होछ बिले डाइपोल लेंथ से परपेंडिकुलर होछ और एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर होबो तो ताको कोन कोया बिले हमें इक्विटोरियल लाइन हला तो एटा बड क्वेश्चन बिले आछ होछ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन क्वेश्चन होछ बिले फाइंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अन इलेक्ट्रिक डाइपोल ना ड्यू टू अन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोड बाहर करिया पहले एट इक्विटोरियल लाइन हेलो एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्विटोरियल मींस इक्विटोरियल लाइन गुड पॉइंट पे बाहर करें तो एट कोड बाहर करें पॉइंट पी रे बाहर करें एटा थिला क्वेश्चन थिला लॉन्ग क्वेश्चन है अब तो हमें कौन कोई करिया पहले है ना जो इक्विटोरियल लाइन को पे और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को करें बी आर ओ ए डी ब्रॉड साइड ऑन है ना पोजीशन एंड को करें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब तो एडा थिला क्वेश्चन का आंसर लिखिया पहले तो कौन हो देखो पहले सिमिलर तार वाला लिखिया कौन लिखिया लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एपी consist of AP तो consist of charge कौन पहले consist of charge कौन पहले हेलो plus q and minus q respectively plus q and minus q respectively हेलो पहले तब पर similar पहले dipole length के तेरे क्या हमारा dipole length AB equal to AB हो चुकी dipole length लिख दे dipole length AB equal to 2L हला similarly पिले O which midpoint of the dipole therefore O midpoint of electric dipole कौन AB therefore OA equal to OB equal to कितना पिले L
सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फार्मूला कौन कहले q इक्वल टू q इनटू 2l सॉरी p इक्वल टू q इनटू 2l एटा होसले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इक्वल टू केते 2ql तो हम कौन फाइंड आउट करिया पहिले अगर देखियो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बात करे का पे बात करे ड्यू टू प्लस 2 एंड माइनस 2 चार्ज ने बात करे कोड बात करे एट पॉइंट p तो p होस पहिले हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन बाहर करे एट पॉइंट p रे कौन बाहर करे हम तारा नेट इंटेंसिटी बात करे देखो लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्ट ऑफ प्लस 2 एंड माइनस 2 चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस केते पहिले डिस्टेंस केते नोची 2l सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l बुझा पडलो एंड p होच केले तार ऑब्जर्वेशन पॉइंट व्हिच इज डिस्टेंस r सॉरी लेट मी जी व्हिच इज डिस्टेंस r फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल कौन ओ ओ टू p रो डिस्टेंस होच केले r तो प्लेट होत l हेड होत r तो a p dp रो केता हो डिस्टेंस केले रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाइथागोरस फार्मूला आंसर पॉकेट आस रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर सिमिलरली एपी रो मात्रा आस तो देखो पहिले हमें कौन नबा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर गया तो कौन लिखिया we have to find out we have find out net electric field intensity kodi bahar kariya at a point kodi bahar kariya bile p at point p which is at a distance r which is at a distance r from right angle triangle कौन ना पहले देखो p कौन नंबर p o p जिस नंबर p o p तो कौन आउट ले vp इक्वल कौन आउट ले vp इक्वल रूट ओवर इतना रस्कर आउट ले vp रस्कर इक्वल कौन हो o b रस्कर तो o b रस्कर मींस दैट इक्वल डेट कौन हो पहले o b रस्कर कौन हो o b रस्कर प्लस कौन हो सिमिलरली p b रस्कर सॉरी o p रस्कर o p रस्कर दैट इक्वल कौन लिख पाए आपको हमें ओ बी रो स्क्वायर लिखते थे पहले एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और रूट ओवर कितना आ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी पिक पड़े आ से सिमिलरली एपी इक्वल मध्य कितना आ से पहले रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ से कोड़ा एपी इक्वल सिमिलरली कितना इड़ा एल रो स्क्वायर प्लस ई रो स्क्वायर कितना हो चुका है हमारा हाइट आउट सम कितना आ तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एपी इक्वल रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो हमें कोड़ी बाहर करें पहले इंटेंसिटी पी तो पहले देखो ये दो एंगल होच थीटा ये दो होच थीटा तो इधर कौन हो पहले 2 थीटा जोड़ा कि एक्सटर्नल एंगल ला कौन हो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विद द डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स विद द सम तो कितने ले पहले से एंगल का मतलब ले 5 जोड़ा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स विद द इक्वल दैट इक्वल थीटा प्लस थीटा दैट इक्वल टू 5 इक्वल टू 2 थीटा हला तो हमें बाहर करिया कौन बोले इंटेंसिटी बाहर करे कोड़े पॉइंट पी पे हां देखो पहले हम बाहर करे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करे तो कोड़ी बाहर करिया एट पॉइंट पी रे बाहर करे हला तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोड़ी एट पॉइंट कोड़ी बाहर करे पी एट पॉइंट पी पी रे बाहर करे हला that equal to e equal to hala bahar kare ana e equal to ea plus eb eta ame bahar kare to kon hobe dekho pele edi hum to net intensity produce to plus q charge and minus q charge to bahar kare edi intensity e equal to keta hobe pele jam bahar kare to e equal to keta ase 1 by 4 pi epsilon naught q divided by plus q charge ni bahar kare chhe hala ये इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस टू चार्ज अटैक तो डिस्टेंस से तो आपले एपी रोस्टर अलोंग को डायरेक्शन आपले हमको इसलिए इंटेंसिटी डायरेक्शन सवाले अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हो तो अलोंग एपी बुझा पड़ लगले और ये इक्वल कितना आसे आपले ये इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट
q divided by direct को कितने लिख ले root over r square plus l square root square that equal to r square plus l square along को direction fp direction fp ये है ला similarly कौन बात करे अपने similarly eb similarly eb equal कितने आ सकते हैं similarly eb equal कितने आ सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught q divided by bp रो square distance bp रो square direct को कितना r square plus l square l को डायरेक्शन आउट के लिए बुझला ना समझ तो पहले eb नेगेटिव चार्ज है बाहर को r square plus l square l को कौन आउट के नेगेटिव चार्ज तो टुवर्ड्स टू द नेगेटिव चार्ज और जन डायरेक्शन का कौन होगा l pb डायरेक्शन एडा l fp होतला एडा pb हो तो देखो पहले एडी ड्यू टू प्लस q चार्ज में कौन आला ये रो डायरेक्शन इन आला माइनस q चार्ज में डायरेक्शन ना ए टाइप रो आसला तो पहले फर्स्ट पढ़ला इफ टू वेक्टर आर डिफरेंट डायरेक्शन तो सिटी कौन कराउतला पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई टू वेक्टर आर डिफरेंट डायरेक्शन देयरफॉर आई एम अप्लाई बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो देखो पहले ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईए ईए रो मैग्नीट्यूड जहा ईबी रो मैग्नीट्यूड पहले तहा ना नहीं ईए रो मैग्नीट्यूड देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन पहले q बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ईबी रो मैग्नीट्यूड भी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन q बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईबी एंड पीरियड फाई का वैल्यू कितना हो पहले थीटा एंड थीटा तो इधर कौन सी 2 थीटा तो फाई इक्वल टू कितना होता है 2 थीटा है ना तो हम कौन कर रहे हैं अबे नेट रिलेटिव फील्ड इंटेंसिटी बात कर रहे हैं पॉइंट पी तो कौन हो गया था पहले अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम नाउ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पको फार्मूला तो ई रो मैग्नीट्यूड कितना होले दैट इक्वल टू कौन होले ई रो स्क्वायर मैग्नीट्यूड लिख लो ई ए लिख ले मतलब हो माने ई रो डायरेक्शन दे मैग्नीट्यूड लिख ले मतलब ई रो स्क्वायर प्लस ई रो स्क्वायर प्लस 2 ई ए eb कितना हो गले एंगल कितने cos phi एंगल कितना अच्छे देखो एडा होची ई रो डायरेक्शन तले आ एफन पॉजिटिव चार्ज जो होची ई रो डायरेक्शन तले तो एडा हम कोन अप्लाई कर अपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो एडा तार हो डायगोनल जोड़ा की तार रिजल्ट कांड हो ला तो कोन अपने एति रो तो एडी कोन को देखो ई रो मैग्नीट्यूड जहा ई रो मैग्नीट्यूड तहा तो रेडिकल पके जो वैल्यू पुट करो तो ये कहते हैं जो मिले ए रो स्क्वायर प्लस ए रो स्क्वायर डायरेक्ट पके जो वैल्यू ई ए रो स्क्वायर प्लस ई ए रो स्क्वायर प्लस 2 एडा कौन आओ ई ए रो स्क्वायर cos कितने मिले 5 5 हो वैल्यू बदल के पके 2 थीटा देखो cos 2 थीटा बुझ रहे मिले तो दैट इक्वल टू एडी देखो पहले 2 ई ए रो स्क्वायर अच्छा तो 2 ये रो स्क्वायर हम कौन बोले बाहर को बाहर करते हैं कौन हला तो ये कितना हो गले 1 प्लस कितना हो गले cos 2 थीटा 1 प्लस 2 cos 2 थीटा तो पहले देखो ये 2 ए स्क्वायर को जिन सिन रख देले मुझे पॉट्स के लिए 2 ए रो स्क्वायर इनटू प्ले cos 2 थीटा फार्मूला आंसर cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो पहले देखो प्लस और माइनस 1 कैंसिल से जो तो कितना आ सके 2 cos स्क्वायर कितना आ सके थीटा दैट इक्वल टू कितना आ सके बोले 4 e रो स्क्वायर 4 e रो स्क्वायर कौन आ बोले cos स्क्वायर थीटा एडा आ सके बोले e रो वैल्यू तो पड़े आ सके नेक्स्ट कौन हो गया बोले एडी कौन आ सके e तो e इक्वल टू कितना आ सके 4 e रो स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो हमने आर भिन्न बार पढ़ा स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट कौन आउट ले देखो ये नेट इक्वल टू आस्क हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए मुझे कुछ सॉरी ई नहीं ई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई इक्वल टू कौन आउट ले हमारा 4 ई ए स्क्वायर बाहर कर दाले 2 कौन आसे ई ए कॉस कितना आसे बोले थीटा मुझे बोला और ई इक्वल डायरेक्शन द्वारा रिप्रेजेंट करे 2 ई ए कितना आसे कॉस कितना आसे बोले थीटा डबल इक्वल एलम को डायरेक्शन हो गले डायगोनल को मींस रिजल्ट करने था डायगोनल द रिप्रेजेंट हो तो एलम
along co-direction of left p and direction of it upon the equation 1 it upon the left equation 1 तो ये हमें कौन फाइंड आउट करिया पहले ए रो वैल्यू फाइंड आउट करिया एंड कॉस वेक्टर वैल्यू हमें ये फाइंड आउट करिया तो देखो पहले इन ट्रायंगल POS इन राइट एंगल ट्रायंगल जब हम POS नोबा तो POS से कौन हो पहले देखो कॉस थीटा इक्वल कितना आ सके पहले कॉस थीटा इक्वल टू POA एस नहीं POA हैला तो कॉस थीटा इक्वल कौन हो पहले फॉर्मूला बेस है हाइपोटेनस बेस कितने OA हाइपोटेनस कितने पहले हाइपोटेनस कितने हैं और AP बुझा पड़ सी दैट इक्वल OA मींस कितने पहले L AP मींस कितने पहले रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और आपको हम लिख पाए L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर कितने हाफ हेलो बुझा पड़ लगले तो कॉस थीटा वैल्यू इला सिमिलरली हमें कौन जानछे वी नो दैट कौन जानछे वी नो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ए रो मैग्नीट्यूड कितने लाइन से मिला हमें 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हैला q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तो ए दीटा जको वैल्यू नवा पिले कोडी पुट करया इक्वेशन 1 रे पुट करया कोडी पुट करया इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 रे पुट करया तो इक्वेशन 1 कोन देखो एडी दैट इक्वल टू e इक्वल टू कितना छले 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कौन आंसर ले देखो सॉरी 1 बाय 9 2 2 इनटू ई 2 इनटू ई का वैल्यू कितने पहले 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय कितने r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू कितना आंसर मिले cos थीटा वैल्यू कितने फाइंड आउट करले देखो पहले cos थीटा इक्वल कितने कोला l डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर हाफ दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर हाफ हला पहले डायरेक्शन में पढ़ हो पहले अलोंग अलोंग को डायरेक्शन आ अलोंग पी एन अलोंग पी एन तो वैल्यू पुट कर दो दैट इक्वल टू कितना सो पहले e इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हला q इनटू 2l डिवाइडेड बाय देखो पहले आ पिछना है पावर कितना है 1 आ पिछना है पावर 1 आ दैट इक्वल टू कितना हो r स्क्वायर l स्क्वायर पावर कितने हाफ प्लस 1 दैट इक्वल टू कितना हो गया हमारा हाफ 3/2 3/2 हम ने मिले एथिक आ सो l ऑन को डायरेक्शन आ गो l ऑन p टाइम डायरेक्शन हला एडा हो चले आसले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेक्स्ट कौन करिया के लिए से कोची जेतु शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ने आई छी कि कौन होची इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल बुझा पड़ छी आर वैल्यू कौन आपले मॉस मॉस ग्रेटर देन एल ल तो एल रो वैल्यू कौन जियो भले नेगलेक्टेड एल रो वैल्यू नेगलेक्ट ऑफ दान यदि आर वैल्यू मॉस मॉस ग्रेटर देन तो पहले एल रो वैल्यू एडी कौन करे नेगलेक्टेड करे हला एन रो वैल्यू जदे नेगलेक्टेड करला तो दैट इज कॉल्ड कत आपले इडिया ने वैल्यू पुट कर दियो तो ई कॉल्ड कत आसो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू पी ल ले कत पिल हो पी हला q into 12 कितना ला p पड़ ला that equal to कितना हम अपने l रो में नेगलेट दे ला तो that equal to r रो स्क्वायर पावर में 3/2 है ला मुझे पूछ ची और e equal to कितना सो finally 1/4 पाई epsilon नॉट p divided by r cube है ला along p and ds along कौन हो p and ds हमें p रो में जाने दे ले p equal to कौन जाने p equal to q into 12 तो q into 12 बाद में हमें p को गए तो e equal to 1/4 by p by r cube तो पहले फाइनल कंक्लूजन कौन मिलेगा देखो ये कंक्लूजन कौन है कंक्लूजन कंक्लूजन कौन आसला पहले e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कौन आपले r cube इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r cube नेक्स्ट थर्ड होच फोर्थ होच केले कोण हो केले ई रो डायरेक्शन एडी एंटी पैरेलल हो एंटी पैरेलल का जत एंटी पैरेलल हो केले टू पी डायरेक्शन ऑफ पी से एंटी पैरेलल हो किन हो देखो पहले इंटेंसिटी टू डायरेक्शन देखो डाइपोल मोमेंट टू डायरेक्शन देखो पहले नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज वाला पी रो डायरेक्शन का बट इंटेंसिटी डायरेक्शन कोण होच केले देखो एक ऐसे से कैसे पैरेलल होतले बट एडी कोन एंटी पैरेलल पी टू एन
तो डायरेक्शन है इंटेंसिटी रो पी टू एन हला सेकंड डायरेक्शन तो कौन हला थीटा रे मिलो एडिले थीटा इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड ई एंटी पैरेलल टू टी इक्वेटर ला अंटे एंटी पैरेलल एंड लास्ट वन इज ई एक्सियल रो वैल्यू कौन हबो 2 इनटू ई इक्वेटोरियल सेट इक्वल हो काई सेडी असला फार्मूला कौन 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi by r cube असला बट एडी कौन असला फार्मूला के लिए 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube ना नहीं तो एक्सियल लाइन रो मैग्नीट्यूड का डबल हो का अपेक्षा ई इक्वेटोरियल रो अपेक्षा कौन होले डबल हो हला ई एक्सियल इक्वल टू 2 इनटू ई इक्वेटोरियल तो एडा किला के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हला एट इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है ओके अब देखो पहले हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू वन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एडा होच पहले आउट लॉन्ग टोटल एक्सियल लाइन आउट होच इक्वेटोरियल लाइन एंड थर्ड वन इज एट एनी पॉइंट जे कोन से पॉइंट इक्वल एम मींस ना एक्सियल लाइन ना इक्वेटोरियल मींस एट एनी पॉइंट है हला तो देखो पहले से कौन पूछ ले रे AB is an electric dipole nella AB is electric dipole consists of plus q and minus q charges minus q and plus q charges separated by distance of possible 2a kete distance achi 2a achi hala next type la ame aku ame kodi bahar kare electric field intensity at any point p p is the observation point jodi ki at any point nahi hala to kon ko dekho consider electric dipole AB consists of charges minus q plus two charges minus two and plus two charges separated by distance with which will dipole length which will 2a so dipole length formula kon bile it is the product of either of magnitude of one charges to its dipole length that equal to magnitude of q and distance dipole length that will 2a so dipole moment p equal to q into 2a and o is the center of the dipole o which circle o ne circle that is center of the dipole a next form which now consider at any point p तो हमें कौन बोले कंसीडर कौन बोले गुटे एनी पॉइंट पी नॉर जोड़ा कि एट एनी पॉइंट जोड़ा कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट का वो जोड़ी क्या फाइंड आउट करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो कौन बोल सी ना कंसीडर एट एनी पॉइंट पी हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट कहते पहले डिस्टेंस से तो अच्छे मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल टू पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी भीतर डिस्टेंस कहते नहीं है इसलिए आर डिस्टेंस नहीं है कहते डिस्टेंस आर एंड कहते एंगल एंगल पोलर कोऑर्डिनेट मींस फोटो होचे और डिस्टेंस का बड़े होचे एंगल एंगल कहते कुछ के लिए देखो एटा होचे डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव सर डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन है देखो सोनाटा एटा होचे डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ओपी ओपी सहित हमें जो पोलर कोऑर्डिनेट आर नीचे जो डिस्टेंस है कहते एंगल क्रिएट कर चुके एंगल थीटा हला दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज आर पी टू सेंटर ऑफ द डाइपोल विद द डिस्टेंस होचे आर एंड एंगल मेड बाय द लाइन ओपी ओपी हला ओपी सहित जोड़ी पी हम बाहर करिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओपी केते एंगल क्रिएट कर छि केते एंगल क्रिएट कर छि थीटा एंगल क्रिएट कर छि का सहित इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सहित केते एंगल क्रिएट कर छि थीटा एंगल क्रिएट कर छि ओके नेक्स्ट देखो डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कौन हला पिले ओपी ओपी डायरेक्शन हला नेक्स्ट हमें कौन बोलिया पिले डाइपोल मोमेंट का हमें रिजोल्यूशन बोलिया कौन बोलिया पिले हला से कुछ रिजल्टिंग का डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन ओपी देखो पिले दीटा डायरेक्शन हम ओपी एडा होला एडा होची डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज साको रिजोल्यूशन करले दीटा हम पिले एंगल क्रिएट करछ ओपी वेक्टर केते को क्रिएट करछ एंगल थीटा तो हला पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर करछ केला पी साइन थीटा तो दीटा कंपोनेंट असला बोलते असला पी कॉस थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट पी साइन थीटा असला डायरेक्शन ओपी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी वेक्टर दैट इज वी गेट द कंपोनेंट पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा रेस्पेक्टिवली नेक्स्ट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कोड़ी बात करें एट पॉइंट पी पे बात करें ना एट पॉइंट पी ड्यू टू क्रॉस टू माइनस क्यू चार्ज तो इंटेंसिटी बात करें तो कितना हो गया यू आर इक्वल टू यू आर वेक्टर इक्वल कितना है सो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम जान से एक्सियल लाइन पे फार्मूला कौन 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी बाय आर क्यूब तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सियल कंपोनेंट कौन पिले पी कॉस थीटा तो पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब तो आ डायरेक्शन कौन हो चुके देखो ओ टू पी दैट इक्वल टू पी टू कौन हो क्यूब तो ए कंपोनेंट डायरेक्शन ए1 तो कितना हो पिले अलोंग कौन हो पिले पी क्यूब अलोंग पी हां एडा कोण यू आर बाहर हला सिमिलरली ई टू जति बाहर करिया पिले कितना आसो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कौन आसपे वर्टिकल कंपोनेंट जोड़ा कि एडा जोड़े परपेंडिकुलर कंपोनेंट होछि तो कोन पी साइन थीटा इक्वेटोरियल लाइन जोड़ा कि एक्सियल लाइन को परपेंडिकुलर हो तो वर्टिकल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोन होतले आर क्यू एलोंग एडा को डायरेक्शन ना होतले देखो पहले परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट पी2 तो दैट इज कॉल्ड एलोंग पी आर एलोंग कोन हो पी आर एडा पी2 डायरेक्शन हो तो देखो पहले आ भीतर एडा उसका रिजल्टेंट ट्रांसलेशन ट्रेडिशन इज पक्का तो आर डायरेक्शन ये तार ऑपोजिट रहला तो रिजल्टेंट एट क्यों पहले पीएस हो तार रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट से तो बेस से तो एंगल क्रिएट कर छु पहले अल्फा एंगल के दे क्या हम अल्फा एंगल क्रिएट कर छु हला तो ई वन बात करले ई टू बात करले अबे कौन करिया पहले हमें नेट रिजल्टेंट बात करले और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो पहले कहां चले देयरफॉर रिजल्टेंट ला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोड़ी बार कर अपने एट पॉइंट पॉइंट पी पॉइंट में बाहर कर देता है इंटेंसिटी तो कौन अपने यदि बाहर करे तो ई इक्वल टू रूट ऑफ कितना अपने यू आर नो स्क्वायर प्लस ई टू नो स्क्वायर cos 2 e1 e2 मतलब ले cos के तो एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री है तो हम डायरेक्टली कॉपी बाय रूट ओवर e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे ना तो दैट इक्वल टू रूट तो पहले टर्म जीरो है तो कितना आ सी हो e1 स्क्वायर cos e2 स्क्वायर e2 में कैन सी ड्रॉ स्क्वायर और ये मत लिख पे रहता हूं ना तो दैट इक्वल वैल्यू पुट करो e1 मींस कितने मिले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p cos theta divided by r q rho square plus 1/4 pi epsilon naught कौन आपने p sin theta divided by r q rho square divided by r q rho square मतलब तो नेक्स्ट स्टेप पे कौन करें हमें रेडी कहते कौन बाहर काट दे अपने 2p cos theta देखो पहले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट टी बाय आर क्यू इट भी अच्छे तो सेटअप के लिए बाहर काट दे तो कौन भरी आपने टी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू एड कॉमन बाहर काट दे ले तो इट के तरह के लिए हमें देखो 2 cos थीटा स्क्वायर के तरह के लिए 4 cos थीटा प्लस इट असली बाहर काट दे चाहे ठीक हो तो इट कौन लगले sin स्क्वायर थीटा हेलो इसलिए कौन हो पी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू मुझे लग ले 4 cos थीटा प्लस sin थीटा तो पहले sin थीटा कौन है आंसर 1 माइनस cos थीटा दैट इक्वल टू 4 cos थीटा प्लस कौन हो पहले 1 माइनस cos थीटा तो पहले 4 cos थीटा माइनस cos थीटा दैट इक्वल टू पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू है ना तो ये कहते हैं सर पहले 3 cos थीटा है ना 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहां से पहले मैग्नीट्यूड तो कौन आ सकता है मैग्नीट्यूड पहले ई रो मैग्नीट्यूड तो बाहर पहले ई रो मैग्नीट्यूड कितना है ई इक्वल टू पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो पहले नेक्स्ट कितना एंगल क्रिएट कर छी रिजल्टेंट आ से तो कितना एंगल क्रिएट कर छी पहले ई वन से तो अल्फा एंगल कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द रेडियल डायरेक्शन ओपी ओपी से तो कितने एंगल क्रिएट कर छी अल्फा एंगल क्रिएट कर छी देन टेन अल्फा तो टेन अल्फा ने ट्रायंगल टेन अल्फा इक्वल टू कौन आ पले ई2 देखो पहले परपेंडिकुलर बाय बेस तो परपेंडिकुलर की कितने है ई2 बाय ई1 देयरफॉर ई2 डिवाइडेड बाय 1 तो ई2 का वैल्यू कितना फाइंड आउट कर ले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी sin थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू डिवाइडेड बाय 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2 पी cos थीटा by r that equal to 10 alpha equal to kya aisa that equal to 10 alpha equal to r ko cancel is half 10 theta na na to alpha equal to 10 inverse half 10 theta aisa bole eta hoche alpha case dekhi apile case on in case of axial axial line theta value kete pele no chhe radial component edi radial component theta value 0 that equal to cos theta equal to theta hobo 1 to value put kar do equal to p divided by 4 pi epsilon not r cube रूट ओवर 3 cos थीटा प्लस 1 तो थीटा वैल्यू जब हम कॉल करते हैं तो क्या पहले cos थीटा इक्वल के था हमारा 1 हो
that equal 1 plus 3 kata asio. Cos theta that equal 4 of 4 or root of the bar period that kata asio. 2 asio that equal VXL equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi by r. Similarly, case 2 did have perpendicular line theta will get 90 degree. So cos theta equal to 0. नहीं cos 90 equal to 0. तो पहले put कर that equal to the term को नहीं ला 0. That equal to E equatorial 1 by 4 pi epsilon naught P by R. तो पहले AW बोलते long question. तो आज कौन पढ़ ले पहले electric dipole पढ़ ले electric dipole moment पढ़ ले next कौन पढ़ ले हमें electric field intensity due to axial line short electric dipole due to at any point due to axial line पढ़ ले next equatorial line पढ़ ले and finally long question है ना जोड़ा कि electric field intensity at any point है ना तो तीन टा long question आज पढ़ ले and तीन टा very important thank you students next class हमें electric loss पढ़ ले okay thank you